please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। गुजरात में 13 उम्मीदवारों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 4 सीट पर प्रत्याशियों के टिकट बदले गए। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक के दबाव में कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में बदलाव किए। कांग्रेस आरक्षण पर सहमति की खबरों के बीच हार्दिक आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट से नाराज पाटीदारों को नसीहत देते हुए कांग्रेस ने धैर्य रखने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू अघाणी आज भावनगर में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। शंकर सिंह वाघेला की पार्टी गुजरात में सर्वे के आधार पर अपने उम्मीदवार तय कर सकती है। पाटीदारों के विरोध के बाद एनसीपी ने भी गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जारी चुनाव कार्यक्रम के बाद राहुल निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बीजेपी ने तंज कसा कि एक परिवार के लिए सीट बुक है। गुरुग्राम में फोर्टिस अस्पताल में डेंगू के इलाज का बिल 18 लाख आने पर हड़कंप मच गया। मरीज के परिजनों ने फोर्टिस अस्पताल पर मनमाने ढंग से बिल बढ़ाने का आरोप लगाया। फोर्टिस अस्पताल की मनमानी पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रिपोर्ट तलब की। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। पंचकुला हिंसा के आरोपी पवन इंसा को एसआईटी ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने के बाद इमारत ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे टेंडर घोटाले मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। डोकलाम विवाद पर दलाई लामा ने कहा कि भारत चीन के पास शांति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नंदन नीलेकणी और उनकी पत्नी रोहिणी ने अपनी आधी संपत्ति दान करने का ऐलान किया। कोलकाता में भारत श्रीलंका के बीच खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने पर कोहली ने अपने सफर को छोटा बताया। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री के मुताबिक विराट कोहली के लिए कुछ भी असंभव नहीं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट में भुवनेश्वर की जगह विजय शंकर को मौका मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जानबूझकर संसद के शीतकालीन सत्र में देरी करने का आरोप लगाया। शीतकालीन सत्र में देरी पर जेटली ने कहा कि यह परंपरा कई बार दोहराई जा चुकी है। उसकी तारीखें उस प्रकार से एडजस्ट की जाती है कि वो चुनाव के साथ ओवरलैप ना करें। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। 22 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नवाजुद्दीन अपनी भाभी के लिए निकाय चुनाव में आज प्रचार करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड ने मसौदा तैयार किया कि अयोध्या में ही राम मंदिर बने। विवाद चल रहा है जिस संपत्ति को लेकर, वहां पर राम मंदिर बने, हम एक मस्जिद अमन की तामीर करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के मसौदे में लखनऊ में अमन की मस्जिद के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रद्युम्न हत्याकांड के 2 ऑडियो में आरोपी कंडक्टर और छात्र के बीच बातचीत होने का दावा। वायरल ऑडियो के बीच प्रद्युम्न केस में आरोपी कंडक्टर की बेल पर आज फैसला आ सकता है। प्रद्युम्न के पिता के वकील के मुताबिक ऑडियो में बात कर रहे लोगों की जांच होनी चाहिए। सीबीआई को हमने ये ऑडियो टेप दिया है, सीबीआई इसकी गंभीर से जांच कर रही है, गंभीरता से, और निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। भारत दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के जज बने। आईसीजे में जज के लिए ब्रिटेन ने अपना उम्मीदवार हटा लिया, जिससे दलबीर की जीत हुई। आईसीजे में दलबीर भंडारी के जज चुने जाने पर सुषमा ने ट्विटर पर जय हिंद लिखा।
टैक्स चोरी के आरोप में भोजपुरी गायक भरत शर्मा की पत्नी को जेल भेजा गया। राजस्थान के इंदौर में मीट कारोबार को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। महिला आयोग ने मुंबई की भायखला जेल में महिला कैदियों से बदसलूकी का आरोप लगाया। मुकुल रॉय फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। केरल के अयप्पा मंदिर में पाबंदी के बावजूद महिलाओं ने अंदर घुसने की कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट के 5 जजों को जान से मारने की धमकी के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के स्वरूप नगर में बदमाशों ने एक स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे बिजली की सुविधा क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों ने बीएसएफ जवान के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। इवांका ट्रंप के भारत दौरे को लेकर हैदराबाद में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू ने 3 दिनों में करीब 13 करोड़ की कमाई कर ली। टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का पोस्टर जारी किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भीमा और नीरा नदियों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सुरंग पर निर्माण कार्य के दौरान एक क्रेन के पलटने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार के लिए राज्य की फडणवीस सरकार ने 2-2 लाख रुपए के जो मुआवजे हैं उसका ऐलान किया, जबकि जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी कितने लोगों के फंसे होने की खबर? जी, करीब 9 लोग इस लिफ्ट के टूटने के बाद मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जिनमें से 4 करीब लगभग सभी लोगों को जो है बाहर निकाल लिया गया था। वहां मौजूद जो सुरक्षा रक्षक है उनके मुताबिक अब मलबे के नीचे कोई भी नहीं होगा, लेकिन उसकी जांच जो है वो शुरू कर दी गई, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ऐसे में एक लिफ्ट टूटकर करीब 100 फीट के नीचे मजदूर गिर जाते हैं तो क्या ये ध्यान नहीं दिया गया था, ये किसी गलती है, टेक्निकल गलती या फिर जानबूझकर वहां पर लापरवाही बरती गई है, ऐसी तमाम चीजों की जांच जो है अर्पिता फिलहाल चल रही है। जी शुक्रिया दिनेश। पद्मावती पर जारी घमासान के बीच जयपुर में भंसाली सहित 11 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिल्म पद्मावती मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होगी। पद्मावती पर बढ़ते विवाद के बीच अब राजस्थान में भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। संसद बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने पद्मावती को लेकर दबाव न होने की दलील दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पद्मावती पर हो रहे प्रदर्शन को आपातकाल करार दिया। सिद्धरमैया ने दीपिका को धमकाने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूत्रों से खबर है कि सरकार वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और पर जीएसटी कम करने पर विचार कर रही है। लंदन की कोर्ट में भगोड़े माल्या ने भारत में अपनी जान को खतरा होने की दलील दी। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुणे में अंडर कंस्ट्रक्शन टनल पर एक क्रेन पलटने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता के अरियादहा आश्रम से भागे 25 बाल अपराधियों में से 6 को हिरासत में लिया गया। मथुरा में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के आगरा में एक गाड़ी और बाइक के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के बांका में एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई कर दी। कटिहार की एक अदालत ने सांसद पप्पू यादव को हत्या के एक मामले में बरी कर दिया। बीजेपी ने रोज वैली घोटाले मामले में सीबीआई से सीएम माणिक सरकार से पूछताछ करने की मांग की। यूपी के बांदा में शिकायत के बाद पुलिस ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम पर छापा मारा। यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने पाकिस्तान को विशेष आतंकी जोन बताया।
चीन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आपत्ति जताई। इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी में 10 लाख से ज्यादा रकम जमा करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक विज्ञापन में किए दावों पर खरे न उतरने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी जॉली LLB 3 में एक साथ नजर आएंगे। गोवा में 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कई नामी हस्तियां पहुंची। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी समेत 8 बड़े नेता ISI के निशाने पर हैं। सोनिया गांधी ने नेहरू इंदिरा का योगदान मिटाकर इतिहास बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आधार पर सवाल उठाते हुए इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बताया। कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार पर सेल्फी ले रहे एक आदमी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे कार्ति चिदंबरम को बेटी के दाखिले के लिए विदेश जाने की इजाजत दी। 9 साल से कोमा में रहे कांग्रेस के नेता प्रिय रंजन दास मुंशी का दिल्ली में निधन हुआ। इंडिगो एयरलाइन की महिला कर्मी से छेड़छाड़ करने पर आरोपी ने पैर पकड़कर माफी मांगी। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को टेरर स्पॉन्सर स्टेट घोषित किया। Today the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। पाकिस्तान से अपनी शादी के लिए लखनऊ आ रही सबाहत फातिमा का वीजा मंजूर किया गया। केन्या में राष्ट्रपति के समर्थन में आए कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। जर्मनी में नई सरकार के गठन के लिए गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत की कोशिश बेनतीजा रही। अंडे की कीमत में 25% से अधिक का इजाफा देखा जा रहा है। रसगुल्ले की लड़ाई जीतने पर पश्चिम बंगाल के नादिया में 12 किलो का रसगुल्ला बनाया गया। केरल के कन्नूर में कुछ लोगों ने RSS के 4 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। महाराष्ट्र के लातूर में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत के बाद 2 सिपाही निलंबित किए गए। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली एक दिवसीय श्रृंखला के पहले 2 मैचों का समय बदला गया। विंबलडन चैंपियन रही टेनिस खिलाड़ी जाना नोवोत्स्ना का कैंसर से निधन। नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी ने एक मैच के दौरान अपनी ही टीम के खिलाफ गोल किया। 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच पर शाहरुख खान और कैलाश खेर ने एक साथ डांस किया। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्रिसमस ट्री का स्वागत किया। न्यूयॉर्क में कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लगने से करीब 35 लोग घायल हो गए। फ्लोरिडा में समुद्र किनारे मगरमच्छ देखा गया। सऊदी अरब पर एडवांस्ड साइबर अटैक हुआ जिसका शक ईरानी हैकर्स पर है।